तो वो एक दूसरे से नहीं कह पाते हैं। इसीलिए जब एक पिता अपनी वृद्ध अवस्था में आता है तो उसके लिए पैसा, प्रॉपर्टी, यहां तक कि डॉक्टर और उसकी दवाएं भी मायने नहीं रखती। अगर कुछ मायने रखता है तो सिर्फ अपनी औलाद का समय, अपनी औलाद का प्यार। बाबूजी भी अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी के चलते कई बार अपने परिवार को समय नहीं दे पाते थे, लेकिन जब बाबूजी बीमार हुए तब आप अपना सारा काम छोड़कर बाबूजी की सेवा में लग गए। मुझे याद है जब आप बाबूजी को दिल्ली इलाज के लिए लेके आते थे, तब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहा था। मैं बाबूजी से मिलने यूपी भवन में जाता था। बाबूजी की हालत इतनी नाजुक थी कि उनको खाना खाने में भी तकलीफ होती थी। वो बड़ी मुश्किल से एक रोटी खा पाते थे। तब आप एक के ऊपर एक रोटी रखकर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते थे। बाबूजी कई बार कहते भी थे कि छोटे तुम मुझे एक नहीं दो रोटी खिला रहे हो, तो आप कहते थे कि नहीं बाबूजी एक ही रोटी है, और वो मुस्कुरा के खा भी लेते थे। चाहे सुबह उठकर अखबार पढ़ने से लेकर रात में जो है उनके पांव दबाने तक आपने एक लायक बेटे की तरह निस्वार्थ भाव से बाबूजी की सेवा करी है। एक बेटे को अपने पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए ये मैंने आपसे सीखा है। गर्व होगा बाबूजी को तो उन्हें आप जैसा बेटा मिला, और धन्य हुआ मैं कि मुझे आप जैसा पिता मिला। अभी पिछली मीटिंग में मुझे कई लोगों ने बोला कि जिस प्रकार आपके पिताजी बाबूजी के लिए त्याग करते रहे, चट्टान बनकर खड़े रहे हैं, वैसे ही आपको अपने पिताजी के लिए खड़े रहना पड़ेगा। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरे बाबा के लिए बोली गई हर गाली पहले मेरे कानों पे पड़ेगी, और उनके लिए चलाई गई हर गोली पहले मेरी सीने पे लगेगी। लेकिन एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वो कार्यकर्ता बन के दिखाओगे जो बाबूजी के जमाने में होते थे? क्या आप मुझे वो जगन्नाथ शुक्ल दादा बन के दिखाओगे जो बाबूजी को एक गाली देने पे 100 लोगों के सामने अकेले लाठी लेके खड़े हो जाते थे? या वो ब्रह्मानंद दादा बन के दिखाओगे जिनकी सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी लेकिन उनके साहस, उनके विचार को नहीं तोड़ पाए थे? आप सभी शिकायत लेके आते हो, लेकिन मुझे भी आपसे शिकायत है। 15 साल का था जब मैं मेरे पिताजी को जेल हुई थी। मेरी छोटी बहन सिर्फ 7 साल की थी। जिस पिता ने अपने बच्चों का बचपन ना देखा हो ना, उसपे क्या बीतती है उसे वही समझ सकता है। और जिन बच्चों के सर से पिता के होते हुए बाप का साया हट जाता है, वो वक्त से बहुत पहले ही बड़े हो जाते हैं। इसी ब्लॉक प्रमुखी के कुछ लोगों की आंख का पानी इतना सूख गया है कि जो लोग इसी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में मेरी गर्दन काटने की बात कर रहे थे, आप उन्हीं की गर्दन में मोतियों की माला पहनाने का काम कर रहे हो। आप मेरे पिताजी को कहते हो कि बाबू जी बनने की नसीहत देते हो, लेकिन अगर आपको संघर्ष थोड़ा सा करना पड़े तो आप समझौता कर लेते हो। बाबूजी बने ही इसीलिए थे क्योंकि वो और उनके कार्यकर्ता संघर्ष से कभी डरे नहीं, समझौते कभी किए नहीं, और वक्त चाहे जैसा भी हो हौसले कभी झुके नहीं। आप सबकी अपनी एक सोच है, अपनी एक विचारधारा है। आप सब अपने अपने तरीके से बाबूजी को श्रद्धांजलि देते हो, मैं उसका बहुत सम्मान भी करता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबूजी ने हमें सामाजिक आजादी तो दिलाई है, लेकिन हम में से कई लोगों में आज भी सामंतवाद और सामंतवादियों का डर है। जिस दिन आप उस डर को हरा दोगे, जिस दिन आप उस डर से आजाद हो जाओगे, उस दिन आप बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि दोगे। क्योंकि उस दिन आप समझौता नहीं, संघर्ष करोगे। उस दिन आप विपरीत परिस्थिति में भी लड़ने का हौसला रखोगे। उस दिन आप बाबूजी के सच्चे सिपाही बन जाओगे। मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मुझे कई लोगों ने बोला कि देखा नवा नवा लौंडा आवा है, देखी दिखाओ करी है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे माँ बाप का आशीर्वाद रहा और मेरी जनता का समर्थन, उसका प्यार रहा, तो यही नया लौंडा यहाँ इतिहास रचेगा। मैं 4 लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पांडवों को तुम रोको, मैं कौरवों की भीड़ से तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे न वो रही, सूरज का अंशों में फिर भी हूँ अछूत, में आर्यवर्त को झूठ लूं वो शांत सोत बोध में, कुंती पुत्र हूँ मगर मैं हूँ उसी को प्रिय, में इंद्र मांगे पीख जिससे ऐसा हो क्षत्रिय में। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बाबूजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके संघर्ष और उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उनका वंश, उनके खून आज भी इस दुनिया में मौजूद है। और मैं
उन साम्रवादी ताकतों को आगाह करना चाहता हूँ जो मेरे परिवार मेरे बाबूजी का नाम मिटाना चाहते हैं, उनको मैं चार लाइनों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस माटी का मैं वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर हमने मृत्यु से जीवन खींचा है, पत्थर पर लिखी इबारत तुम शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं वो नाम नहीं जो मिट जाऊंगा तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, अमर रहे, जय हिंद जय समाजवाद।